हेलो एवरीवन, यूपी स्कॉलरशिप से रिलेटेड आप लोगों के बहुत सारे कंफ्यूजन हैं। हम आपको वीडियो के तहत जो है हर चीजों की इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, फिर भी आप लोग वीडियो देखने के बाद सेम क्वेश्चन रिपीटेड वे में जो है कर रहे हो। वीडियो को आप अच्छे तरीके से देखो, आपके क्वेश्चन का आंसर इसी में मिल जाएगा, क्योंकि हम आपके ही कॉमेंट्स, आप ही के मैसेजेस के ऊपर ही वीडियो ला रहे हैं। सबसे पहले तो जो बच्चे परेशान हुए हैं कि PFMS से मेरा रिजेक्ट हो रहा है, उसका क्या है, उस पर बात करेंगे। वो एक तरह से ग्लिच है, एक टेक्निकल ग्लिच है, उस पर बात करेंगे। उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है आपको। जिन भी बच्चों का पैसा कम आ रहा है उन पर भी बात करेंगे कि उनको इतना कम क्यों आ रहा है। फिर उसके बाद से आप लोगों का है कि वेरीफाइड हो गया है लेकिन अभी तक पैसा क्यों नहीं आया, OBC वाले, जनरल वाले बच्चों का पैसा क्यों नहीं आ रहा है, उस पर भी बात करेंगे। तो यही सारे क्वेश्चंस आप लोगों के बार बार आ रहे हैं कि मैम मेरा वेरीफाइड है क्यों नहीं आया। जब मैं चेक कर रही हूँ तो भाई आप ओबीसी के हो या जनरल कैटेगरी के हो, इसलिए आपका नहीं आया। तो इस सब का रीजन जो है आपको बताया जाएगा। सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट करना, जिससे कि यूपी स्कॉलरशिप से रिलेटेड हर तरह का आपको इन्फॉर्मेशन दिया जाए। सबसे पहली चीज अगर मैं बताऊं तो ये जो PFMS वाला खेल हो रहा है उसको समझो। PFMS में आपको एक दिन दिखा रहा है कि रिजेक्ट हो गया है ना, आप एकदम ध्यान से समझना। और प्लीज इसका क्वेश्चन फिर मुझसे मत करना, क्योंकि एक दिन में 500 से 600 क्वेश्चंस आप लोगों के आ रहे हैं, सेम वही चीज अपना भेज दे रहे हो और पूछ रहे हो कि इसमें क्या। जवाब नहीं देने पे बोलोगे कि जवाब नहीं दिया जाता है, लेकिन थोड़ा सा खुद भी तो लगाओ भाई कि जब कोई वीडियो में पूरा अच्छे से बता दिया गया है उसको, तो वहां से आप आंसर ले सकते हो ना। यहाँ पर देखिए, इस बच्चे का आप देखोगे तो 16 मार्च को रिजेक्ट हो गया है, ठीक है। कितने मार्च को? 16 मार्च को यहाँ रिजेक्ट दिखा रहा है। बच्चा बोल रहा है मैम मेरा तो रिजेक्ट हो गया PFMS से, तो मेरा तो पैसा नहीं आएगा। मैंने उसको बोला कि पेशेंस रखो, धैर्य रखो, अभी ठीक होगा वो, क्योंकि वो ग्लिच है, एक तरह से टेक्निकल ग्लिच होता है। और फिर नेक्स्ट डे देखिए, 17 मार्च को इस बच्चे का सब कुछ सही हो गया, 17 मार्च को। तो जिन लोगों का भी अगर एक बार रिजेक्टेड आ जा रहा है फिर उनको लग रहा है कि क्या मेरा सही नहीं होगा, ऐसा नहीं है, वो सही हो जा रहा है। वो कभी, हाँ, किसी किसी का रियली में वहां से रिजेक्ट होगा जिनमें प्रॉब्लम है, जिन्होंने UID नॉट मैच, यानी कि बैंक अकाउंट दूसरा कोई दे दिया है और जिसमें आप लोग का NPCI नहीं है वो दे दिया है, तो उन लोगों का कुछ कुछ का रिजेक्ट होगा। लेकिन यहाँ पर मैं जो देख रही हूँ PFMS वाला जो खेल है, इसमें मोस्ट ऑफ जो है टेक्निकल ग्लिच आ रहा है। एक दिन आपको रिजेक्टेड दिखा रहा है, यहाँ पे लिख रहा है UID डज नॉट बिलोंग टू बेनिफिशियरी, UID फ्रॉम बेनिफिशियरी अकाउंट, और दूसरे दिन ही वो आपको वैलिडेटेड मान ले रहा है, आपका वैलिड हो जा रहा है और फिर पैसा आ जाएगा। तो प्लीज इसको लेकर के इतने पैनिक मत हो, थोड़ा सा टाइम रखो, वो ठीक हो जाएगा। अगर आप में आपने आपकी तरफ से कोई गलती नहीं हुई है तो फिर आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक। चलिए अब आ जाते हैं आप लोग के PDF पे। ये वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा, बहुत सारे स्टूडेंट ने पूछा था, इसलिए मैं पूछ रही हूँ। और जब आपका वैलिडेटेड दिखा रहा है तो आपको फिर क्वेश्चन करने की क्या जरूरत है? आप लिख कर भेज रहे हो मैम, ये देखिए इसमें आएगा कि नहीं आएगा, खुद से सेंस लगाओ भाई। वैलिडेटेड है वहां पे अगर है तो फिर आपको तो क्वेश्चन पूछने की जरूरत ही नहीं है। हाँ बिल्कुल सही है, जहां पे प्रॉब्लम हो तो प्रॉब्लम पूछो। तो हो क्या रहा है कि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं, आप लोग ऐसे ही मैसेज कर रहे हो और जिन बच्चों को प्रॉब्लम है हम उन्हीं का आंसर नहीं कर पा रहे, तो ये हमें भी बुरा लग रहा है सभी मैसेजेस को खोल करके फिर आंसर करना। तो प्लीज इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिए, और वीडियो आपको इसीलिए बनाया जा रहा है ताकि आप लोगों के सारे क्वेश्चन का इन्फॉर्मेशन हम दे सके, आपको गाइड कर सके, पैसा आपको ज्यादा से ज्यादा मिले, मेन मकसद हमारा यही है। चलिए यहाँ पर एक हम क्वेश्चन ले रहे हैं जो बच्चे ने हमें भेजा है। हेलो मैम, मैं EWS कैटेगरी से हूँ, मेरे कॉलेज की फी 84,000 है पर PFMS पे सिर्फ 23,000 स्कॉलरशिप अमाउंट दिखा रहा है। देखो ये तो सबसे पहली बात, PFMS का आपका ये वाला ब्लर है, लेकिन मैं फिर भी बता दूं, 23,000 दिखा रहा है। तो अगर आप SC कैटेगरी के हैं तो आपको सेकेंड इंस्टॉलमेंट भी आएगा, लेकिन ये भी जरूर रखना कि जितना फीस है उतना आपको मिल जाएगा, क्योंकि आगे जैसे जैसे आप बढ़ते हो वैसे फीस आपका बढ़ते जाता है। तो एग्जैक्टली मिल जाएगा ये भी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि वहां से कितना वो बना करके दे रहा है, क्या सारे कैलकुलेशन करके दे रहा है, उसमें थोड़ा सा डाउट रहता है। किसी किसी का पूरा भी आ जाता है, लेकिन किसी किसी का जो है कम भी रह जाता है। बट अगर आप SC ST कैटेगरी से हैं तो आपका सेकेंड इंस्टॉलमेंट भी आएगा, जो कि 23,000 से ज्यादा ही रहेगा।
तो अप्रोक्सीमेटली आपको मैं इतना बोल सकती हूँ 50-60 हज़ार के आसपास आपको या 70 हज़ार के आसपास आपको मिल सकता है अगर एससी कैटेगरी के हैं तो, एससी एसटी के हैं तो। ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा यहाँ पर है इनका 23,000 अमाउंट दिखा रहा है, इन्हीं का है, 17 मार्च को किया आएगा। ठीक है, कैटेगरी यहाँ पर मुझे दिख नहीं रही है, कैटेगरी दिखती तो मैं और अच्छे से क्लियर कर देती। चलो ठीक है, आपको बता दिया गया। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट आलोक कुमार का क्वेश्चन है। आलोक ने बहुत जेन्युइन क्वेश्चन पूछा, ऐसे बच्चों का हम हेल्प करना चाहते हैं जिनके साथ रियली में नाइंसाफी हो रही है। देखो इनका है कि मैम हमारे कानपुर यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस और एफिलिएटेड कॉलेजेस के लगभग 7,000 बच्चों का स्कॉलरशिप अभी वेरीफाई नहीं हुआ है। कॉलेज में बात करने पे बोला जा रहा है कि समाज कल्याण की गलती है और समाज कल्याण में बोला जा रहा है कि यूनिवर्सिटी की गलती है। मैम हम लोग क्या करें, प्लीज गाइड। और ऐसा सिर्फ एक कानपुर यूनिवर्सिटी नहीं है, और भी यूनिवर्सिटीज है, TDU है, लखनऊ यूनिवर्सिटीज के बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जहां पर कि बच्चों का डेटा आगे फॉरवर्ड ही नहीं हुआ है। 500 से 600, 1-1 हज़ार बच्चों का डेटा बिल्कुल फॉरवर्ड नहीं हुआ, वो क्या करे। तो वैसे बच्चों के लिए हम आपको एकदम ओपनली बोल रहे, सबसे पहले तो अपने कॉलेज के कॉन्टेक्ट में जाइए कि क्या हो रहा है, क्यों नहीं आ रहा है और आएगा या नहीं आएगा, क्लियर वहां से कर लीजिए। उसके बाद एप्लीकेशन लिखिए, DO जो आप लोग का डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर होता है उसको इन्फॉर्म कीजिए और DM को इन्फॉर्म कीजिए। DM को इन्फॉर्म जरूर कीजिएगा, एक एप्लीकेशन लिखिए, उसमें साइन कीजिए और बोलिए कि सर हमारे साथ ऐसा हो रहा है, हम कैसे जो है फीस जमा करेंगे। फिर ये स्टेप जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी ये स्टेप ले लीजिए। और इस पे वैसे मैं बता देती हूँ, इंटरनल तौर पर बातें चल रही है कि जिन कॉलेजेस का जो है अभी तक डेटा नहीं आगे बढ़ा है, जो भी रीजन की वजह से, चाहे यूनिवर्सिटी की लापरवाही की वजह से या जो भी रीजन की वजह से, तो उसको, उसके लिए क्या किया जाए। बट ये इंटरनल तौर पे अभी सिर्फ डिस्कशन हो रहा है, अभी इसमें स्टेप नहीं लिया गया है। तो आप लोग ये चीज जो है एक कर सकते हैं, जो भी कानपुर हो या कोई और यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस के साथ ऐसा हुआ है, वो लोग भी यही फॉर्मूला जो है अपनाएंगे अपने हक के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आप लोगों का ये प्रिंस का क्वेश्चन है। प्रिंस ने बोला है, हेलो मैम, मैं बीएड सेकेंड ईयर का स्टूडेंट हूँ, एससी कास्ट से हूँ, मेरी स्कॉलरशिप 14,600 आई है, बाकी आएगी या फिर इतनी ही रह आती है। नहीं, और आएगी प्रिंस, आपकी जो है सेकेंड इंस्टॉलमेंट बिल्कुल आएगी, और वो 14,600 ये है तो 60% रहेगा, तो 14,600 से वो ज्यादा रहेगा, बिल्कुल आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाय मैम, हमारी स्कॉलरशिप 3,200 आई है, अभी दोबारा आएगी कि नहीं। सेम है, एससी एसटी कैटेगरी के हैं ये, इनको फिर से, इनको भी मिलेगा। ठीक है, जिनका जिनका कैटेगरी वाइज है वैसा मिलेगा। अब देखो ऐसा जिनका है ना, सिंपल बात समझ लो बाबू, ये एकदम क्लियर तौर पे मैं लास्ट टाइम आप लोग को समझा दे रही हूँ, इसके बाद मुझे इस पर कोई क्वेश्चन नहीं चाहिए। यहाँ पर अगर आपको वैलिडेटेड लिख रहा है, ठीक है, तो आप लोगों का जो है पैसा आ जाएगा। ठीक, यहाँ पर आप लोगों का पूरा डिटेल दिया गया है, अकाउंट नंबर, ये नंबर, और आपको लग रहा है कि अभी तक हमें भेजा नहीं गया, तो ये अपडेट कर दिया गया है। ये अपडेशन के विद इन, मतलब मैक्सिमम डेज जो है 15 डेज माना जाता है, 15 दिन के अंदर, अब हो सकता है 1 दिन या 2 दिन 3 दिन के अंदर ही आपका आ जाए, लेकिन मैक्सिमम 15 दिन के अंदर आपके अकाउंट में ये डिपॉजिट हो जाएगा, ये क्लियर समझ लो। इसमें और कुछ मैं नहीं बता रही हूँ। अगर यहाँ पर आपका रिजेक्टेड रहता है तो भी आपको ज्यादा सोचने की बात नहीं है, अगर आप में कोई गलती नहीं है तो, क्योंकि वो 1 दिन के बाद 2 दिन के बाद वो आपका वैलिडेटेड हो जा रहा है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया एक स्टूडेंट के साथ हुआ है। ठीक है, तो ये चीजें आप लोग एकदम ध्यान में रख लीजिए। नेक्स्ट यहाँ पर है फिर से यही, हाँ एक और चीज इस वाले में, यहाँ पर एरर डिस्क्रिप्शन कुछ ऐसे करके आ रहा है, इसमें भी आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, ये सब टेंशन लेने वाली चीज ही नहीं है। बस यहाँ पर आपको देखना है कि ये सही होना चाहिए, और यहाँ पर आपका नाम अकाउंट नंबर जो है चेक कर लेना है कि सही गया है कि नहीं। ठीक है, हाँ यहाँ पर इनकरेक्ट अमाउंट मेंशन ये आया है, लेकिन यहाँ वैलिडेटेड आ गया है। देखो इनकरेक्ट अमाउंट में आ रहा है मेंशन इनका, यानी कि जो पैसा इन्होंने डाला है वो अपने तरफ से जो है गलत डाला है या कुछ ऐसा है, तो उसमें आपको जो है वो अपने तौर पे देख करके आपको पैसा भेज देंगे। लेकिन आपको इसमें जो है पेंडिंग एट, अभी आपका जो करंट स्टेटस मैं आपको बताऊंगी वो पेंडिंग एट PI
PFMS है, इसको जल्दी से जल्दी या तो वेरीफाइड कर देगा, वैलिडेटेड कर देगा, या रिजेक्ट करेगा, दो में से एक जो है कर देगा, यहाँ पर आपको जो है फाइनली मिल जाएगा। अच्छा, ये पूरा प्रोसेस 3 से 4 स्टेप्स में होता है। एक दिन आपका जो है क्रिएट करेगा, फिर आपका जो है अप्रूव्ड करेगा, फिर वैलिडेट करेगा, फिर जो है वेरीफाइड, इस तरह से जो है चीज़ें चलती हैं। तो वो प्रोसेस आपको देखते जाना है, देखते जाना है, फाइनल प्रोसेस जो होगा उसको आपको लेना है, ठीक है। तो ये आप लोगों का यूपी स्कॉलरशिप से रिलेटेड है। अब बात कर लेते हैं उन लोगों की जिन लोगों का अभी भी पेंडिंग एट डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी दिखा रहा है या मार्क्स मिसमैच दिखा रहा है, उन लोगों को थोड़ा सा और पेशेंस रखना है। वो आप लोगों का जो है इंटरनल तौर पर आप लोगों के लिए वेरिफिकेशन और बाकी सारी चीज़ें चल रही हैं, तो वो आप लोगों का कुछ दिनों में जो है चीज़ें क्लियर हो जाएगी। दूसरा, जिनका वेरीफाइड हो चुका है और पैसा अभी तक नहीं आ रहा है, तो उनकी कैटेगरी अगर ओबीसी है, ओबीसी और जनरल कैटेगरी के बच्चों का पैसा थोड़ा लेट से आता है। इसमें मैं क्या बोलूं, अब ज़्यादा कुछ नहीं, लेकिन इसमें ये बोलूंगी कि अमाउंट जो है सभी का फिक्स रहता है, तो उसमें वो लोग देखते हैं कि किन किन बच्चों को भेजना है, तो वो थोड़ा सा बोल सकते हो कि बाइफिकेशन करने में, यानी कि उसको छांटने में उनको थोड़ा टाइम लगता है। तो ओबीसी और जनरल कैटेगरी का पैसा जो है थोड़ा सा लेट आता है, लेकिन आएगा जरूर। ट्वेल्थ पास, ट्वेल्थ वाले बच्चे बहुत परेशान हो रहे हैं कि मैम मेरा अभी तक नहीं आया, मेरे फ्रेंड्स का आ गया। तो कैटेगरी वाइज भी देख लेना बाबू, थोड़ा सा कैटेगरी में लेट हो जाता है, ठीक है, तो आ जाएगा, आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है। नेक्स्ट आप लोगों का है कि सभी लोगों का पैसा कब तक आएगा। 31st of March तक मोस्ट ऑफ लोगों का पैसा आएगा। वेरीफाइड है तो आपको टेंशन नहीं लेना है, कुछ टाइम के बाद आपका हो आएगा ही आएगा। और जिनका पेंडिंग में है, उन लोगों का कुछ दिन के बाद या तो रिजेक्ट कर देगा या वेरीफाई कर देगा, यही ऑप्शन है। जिनका ऑलरेडी रिजेक्ट हो चुका है, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो बोल रहे हैं कि मैम मेरा इस बेस पे रिजेक्ट किया है जबकि वो गलती मेरे में नहीं है, तो उनके लिए एक रास्ता है कि आप कॉलेज में जाइए या फिर जो है कंप्लेन डाल दीजिए आप समाज कल्याण विभाग में। लेकिन उम्मीद थोड़ा कम हो जाती है जब आपका रिजेक्ट एक बार हो जाता है तो, बट आप एफर्ट लेना चाहते हो तो ये एफर्ट जरूर आप कर सकते हो। तो ये है यूपी स्कॉलरशिप से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। इससे रिलेटेड और कोई इन्फॉर्मेशन आएगी जो आप लोगों की इंपॉर्टेंट होगी, डेफिनेटली हम आपको जो है इन्फॉर्म करेंगे। टिल देन टेक केयर एवरीवन।